दोस्तों, ये है लकड़ी का पुराना दरवाज़ा। इस पर पहले पॉलिश हुई थी जो कि अभी पुरानी हो गई है। इसको हमें नया करना है। कैसे होगी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। और हम इस पर हाथ से ही पॉलिश करने वाले हैं, स्प्रे गन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा पॉलिश ख़राब नहीं है। कहीं जहाँ पर जोड़ थे वहाँ से रिपेयर निकल गई है, पुट्टी निकल गई है, बाकी ये सारी पॉलिश ठीक है। दो चार हाथ मारने से ये सही हो जाएगी। नेचुरल कलर की पॉलिश है, इस पर कलर कोई भी नहीं हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह पॉलिश कैसे होगी। तो सबसे पहले हमें लेना है 150 नंबर या फिर 220 नंबर का वाटरप्रूफ रेगमाल, और इसकी हमें सैंडिंग करनी है। अच्छी तरह दबा के सैंडिंग करनी है। जोड़ वगैरह जो भी हैं वो पूरे बराबर कर देने हैं। अगर कहीं से पुट्टी वगैरह निकली है तो वह भी हमें निकाल देनी है। अच्छी तरह से इसकी सैंडिंग करनी है ताकि कहीं पर पपड़ी वगैरह ना बनी रह जाए। देखिए इस तरीके से दबा के इसकी सैंडिंग कर देंगे। और उसके बाद में इस पर मारना है हमें लाख दाना पॉलिश। इसको साफ करके अच्छी तरह साफ करना है कपड़े से। उसके बाद में इस पर मारनी है हमें लाख दाना पॉलिश। लाख दाना पॉलिश कैसे बनाई जाती है, अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा कि लाख दाना पॉलिश को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए इस तरीके से इसको साफ कर लेना है कपड़े से। उसके बाद में हमें मारनी है इस पर लाख दाना पॉलिश। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है लाख दाना। इसको हम स्प्रिट में घोलते हैं। एक लीटर में लगभग 100 ग्राम तक पड़ जाती है लाख दाना। इसको धूप में रखना पड़ता है। जब यह गर्म हो जाती है तभी इसका प्रयोग करते हैं। कपड़े से छान के ही इसका प्रयोग करते हैं, फिल्टर करके इसका प्रयोग किया जाता है। पहला जो हाथ है वह हमें थोड़ा सा रगड़ के मारना है ताकि जो मैल वगैरह हो वह निकल जाए सारी। ये देखिए इस तरीके से रगड़ के मार देंगे, जिससे कि जो थोड़ी बहुत मैल रह गई होगी वो अभी निकल जाएगी इससे। एक दो हाथ इसके ऊपर अप्लाई कर लेने हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हर प्रकार के पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। सामान आप नोट कर सकते हैं। पहले हमने इसकी सैंडिंग करी है 150 नंबर रेगमाल से, उसके बाद में हमने लाख दाना पॉलिश मारी है। अभी तीसरा स्टेप आपको दिखाएंगे कि तीसरा स्टेप कौन सा करना है। तीसरा जो स्टेप है वह हमें इसकी करनी है रिपेयर। रिपेयर करने के लिए आप वुड फिलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चाक मिट्टी में सेना पाउडर मिलाकर भी रिपेयर इसकी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने लाख दाना पॉलिश मार ली है। अभी जहाँ पर भी जोड़ हैं, जहाँ पर भी रिपेयर है या होल वगैरह हैं, तो वहाँ पर हमें इसकी रिपेयर करनी है। रिपेयर करने के लिए इसमें हम वॉलनट कलर के वुड फिलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वॉलनट कलर के वुड फिलर में हमने थोड़ा सा रेड सेना मिक्स कर लिया है। जिस तरह की हमारी पॉलिश का कलर है उसी तरह का हम पुट्टी बना के इसके ऊपर भर रहे हैं ताकि रिपेयर बिल्कुल मैच हो जाए, दिखे ना। अगर मैच नहीं होगी तो बाद में आपको दिक्कत होगी, इसको मैच करना पड़ेगा। इसलिए हमने रिपेयर सेम कलर की बना ली है। वॉलनट वुड फिलर में थोड़ा सा हमने रेड सेना मिक्स कर लिया था तो ये सेम कलर बन गया है। तो देखिए इस तरीके से इसकी हमें रिपेयर कर लेनी है और फिर इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देना है। अगर ज़्यादा बड़े होल हैं तो वहाँ पर आपको दो बार रिपेयर करनी पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये पूरा सूख चुका है। अभी हम इसकी सैंडिंग करते हैं और रिपेयर भी देखिए कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल सेम कलर की रिपेयर हमने बनाई थी और दबा के इसकी सैंडिंग करनी है। सैंडिंग पूरे दरवाजे के ऊपर करनी है हमें। जहाँ पर हमने रिपेयर की है वहाँ पर भी सैंडिंग करनी है और जहाँ पर रिपेयर नहीं करी है वहाँ पर भी हमें सैंडिंग करनी है। और उसके बाद में इस पर हमें मारना है फिर से वही लाख दाना पॉलिश जो हमने पहले मारी थी। इस बार हम थोड़ा सा इसमें कलर मिक्स कर लेंगे, वॉलनट कलर मिक्स कर लेंगे हल्का सा, ताकि जो रिपेयर वगैरह है वह बिल्कुल मैच हो जाए, कहीं पर दिखे ना। देखिए सैंडिंग करके इसको साफ कर लेना है। उसके बाद में लाख दाना पॉलिश में हमें थोड़ा सा मिक्स करना है वॉलनट वुड स्टेन। बस बिल्कुल थोड़ा सा ही मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, नहीं तो कलर डार्क हो जाएगा इसका। अगर आपको कलर डार्क करना है तो आप कलर डार्क भी कर सकते हैं। ये वॉलनट वुड स्टेन को थोड़ा सा ज़्यादा मिक्स करके आप इस पर जितनी गद्दियाँ मारेंगे ये उतना ही डार्क होता चला जाएगा वॉलनट टोन पे, ब्राउन टोन पे। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। हमने थोड़ा सा मिक्स किया है क्योंकि हमें कलर इसका चेंज नहीं करना था, इस तरह का कलर है वैसा ही रखना था इसको। बस रिपेयर मैच करने के लिए हमने यह वॉलनट वुड स्टेन इसमें मिलाया है। ये देखिए दो तीन हाथ इसके ऊपर मार देंगे इसी तरीके से और फिर
हम इस पर टॉप कोट लगाएंगे। इस पर हमें सीलर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सीलर से भराई इसकी पहले ही हुई है, तो सीलर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। इसमें बस आपको टॉप कोट लगाना है। टॉप कोट में हम इसमें इस्तेमाल करेंगे टचवुड ग्लोसी का। ये देखिए, ये हमारे पास बर्जर कंपनी का वुड कीपर 1 KPU इंटीरियर एक्सटीरियर है। इसको टचवुड ग्लोसी भी कहते हैं, बाकी कंपनियाँ और भी आती हैं मार्केट में। इसको पतला करने के लिए तारपीन का तेल मिक्स होता है। ये 1 लीटर की पैकिंग है, बाकी छोटी पैकिंग भी आती है, 200 ग्राम की भी आती है, आधा लीटर की भी आती है। जिस हिसाब से आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। देखिए, तारपीन का तेल है, 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम तक पड़ता है। इसको आप स्प्रे गन से कर सकते हैं, ब्रश से कर सकते हैं, और हाथ से भी कर सकते हैं, कपड़े से भी इसको कर सकते हैं आप। हम कपड़े की गद्दी से ही इसको अप्लाई करेंगे। और यह अप्लाई करने से पहले आसपास का एरिया बिल्कुल क्लीन कर लें, डस्ट वगैरह ना हो। अगर डस्ट होगी तो उड़ के इसके ऊपर चिपक जाएगी, जिससे कि इसमें दाने दाने से पड़ जाएंगे। क्योंकि यह टचवुड ग्लोसी है, ऑयल बेस होता है, तो ये सूखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाता है। इसलिए आपको इसको 2-4 घंटे बचा के रखना पड़ेगा डस्ट वगैरह से। और फिर इस तरीके से इसके ऊपर हमें यह अप्लाई करना है। ये शाइनिंग के लिए होता है, लास्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, इस तरीके से आप मारेंगे तो इसमें शाइनिंग आ जाएगी। अगर एक कोट में प्रॉपर शाइनिंग नहीं आती है, प्रॉपर फिनिशिंग नहीं होती है, तो जब ये सूख जाएगा 10-12 घंटे में, तो इसकी 400 नंबर या फिर 600 नंबर रेगमाल से सैंडिंग करके आप इस पर डबल कोट भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की हमारी फिनिशिंग हो जाती है एक बार में ही। देख सकते हैं आप किस तरह से शाइन कर रहा है ये, और सूखने के बाद में भी इसी तरीके से शाइन करता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।